होगा। हम थोड़ी चर्चा इस बात के लिए फिर से करेंगे कि जो लोग भी कह रहे थे आरएलएसपी को इन्होंने जिंदा रखा है, लोग झूठ बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की छवि को बदनाम करने के लिए कर रहे थे, आरएलएसपी का मर्जर उसी वक्त हो गया और बजाबता हम लोगों ने उस वक्त बैठक करके प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द कर दिया। इसलिए आरएलएसपी नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे, हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल होगा। हम थोड़ी चर्चा इस बात के लिए फिर से करेंगे कि जो लोग भी कह रहे थे आरएलएसपी को इन्होंने जिंदा रखा है, लोग झूठ बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की छवि को बदनाम करने के लिए कर रहे थे, आरएलएसपी का मर्जर उसी वक्त हो गया और बजाबता हम लोगों ने उस वक्त बैठक करके प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द कर दिया। इसलिए आरएलएसपी नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे, हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज़, जेड न्यूज़ और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।